हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है फ्रेंड्स चैनल पर एक बार फिर से। सो बीएससी नर्सिंग सीनियर 2023-2024 के लिए सभी को पता है फ्रेंड्स, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन आपके चालू हैं। ठीक है, आप एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी कैटेगरी से आप रिलेट करते हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आपको चॉइस का फिल करना है, किस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है कि आपको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएँ। ठीक है, कितने मार्क्स वाले यहाँ पर अपना काउंसलिंग करवाएं, कितने मार्क्स वाले को काउंसलिंग नहीं करवानी है। ठीक है, चांसेस बहुत ही कम है बिकॉज सीटें बहुत ही कम रह गई हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। आप लाइक कर लेना, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जल्दी से मेरा ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन चॉइस फिल की। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिल आपकी 10 तारीख से हो गई है। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपका यहाँ पर 14 तारीख रहने वाला है और लास्ट आप 15 तक अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर 17 को आपकी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और 18 से लेकर आपको 24 तक अपना एडमिशन की प्रोसेस को कम्प्लीट करना होगा। तो चलिए आप पहले सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, उसमें यहाँ पर आपको देख के समझाने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सीट मैट्रिक्स देख ही रहे हैं, तो बात करते हैं पहले लिस्ट की। ठीक है, कितनी यहाँ पर लिस्ट है, कितने यहाँ पर कॉलेज बाकी रह गए हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन R2 की काउंसलिंग में करवा रहे हैं, ठीक है, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था R1 में, तो आपको यहाँ पर 500+5000 पे करना होगा। आपका सिंगल पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड से। ठीक है, आप प्रोसेस क्या है चैनल पेज पर जाकर पूरा आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर सीटों की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 23 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपके पास में 4 दिन अभी बचे हैं। आप अपनी अच्छी तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब अपनी काउंसलिंग को करवाइएगा। तो पहले सीटों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर में आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज की पहले बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा की आपकी टोटल सीटें यहाँ पर 17 दी गई हैं, जिसमें 17 सीटों में आपका किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो यूआर की टोटल सीटें हैं वो 7 रह गई हैं, यूआर ओपन की यहाँ पर 5 हैं, यूआरपीएच की 2, ठीक है, यूआरएक्स की आपकी यहाँ पर क्या है 0 है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट 1 है जो कि ओपन में है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी की यहाँ पर 5 सीटें हैं, जहाँ पर ओपन में ओबीसी की 3 रह गई हैं और ओबीसी की यहाँ पर पीएच की 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना हिसाब लगा लीजिए कौन कौन सी सीटें कहाँ पर रह गई हैं। एससी की बात कर लेते हैं, एससी में टोटल सीटें यहाँ पर देख लीजिए 4 दी गई हैं, जिसमें एससी ओपन 3 है और एससी पीएच यहाँ पर 1 है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल जो सीटें आप दे रखी हैं, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, उसी तरीके से आप दूसरे कॉलेज का भी यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर कौन सी कितनी सीटें रह गई हैं। अब मार्क्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स हैं कि आपको चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। देखिए, मैं पहले भी बता गई थी, पहले वीडियो भी बना दिया था कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज अब ग्रेट वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो तो हैं ही, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके 130+ हैं तो उन बच्चों को कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए उसकी लिस्ट में आपको अलग से अभी थोड़ा वेट कीजिए और डिस्कस करने के बाद आपको दिखा देंगे कि 130+ आपको कितनी कौन सी सीटें कहाँ पर भरनी चाहिए, कौन सी प्रेफरेंस में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आप अगर यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि जनरल में यहाँ पर सीटें आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर ओपन की 5 है और पीएच की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल का थोड़ा चांस है। अगर आप यहाँ पर 120+ हैं, मीन्स 120+ का स्टार्टिंग है और आप यहाँ पर ये मिनिमम मार्क्स है और मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पर 125+ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 125+ हैं तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग कराएं। अगर आप उससे नीचे हैं, लेस हैं आपके मार्क्स, तो काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि सीटों को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सीटें ओनली 17 हैं, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिख गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर मार्क्स आपके 120 से बिलो रहे हैं
तो आप काउंसलिंग ना करवाएं। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग करवानी चाहिए तो बिल्कुल करवा सकते हैं। कि अगर आपके 120 है तो मार्क्स डेफिनेटली, आप एक चीज़ समझ जाइए कि आपको यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। कहीं सीट बची तो मिल जाएगा चांस, वैसे तो चांस नहीं मिलने वाला है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी का सेम रहने वाला है कि अगर आपके यहाँ पर, ठीक है, 118 प्लस हैं या फिर 120 प्लस हैं तो ही आप काउंसलिंग करवाएं। इसके अगर नीचे आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग बिल्कुल ना करवाएं, चांसेस बहुत ही कम है कि आपको कॉलेज मिले। एससी की बात करते हैं, एससी यहाँ पर अगर आप 115 से प्लस हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। ये मैक्सिमम मार्क्स है और मिनिमम मार्क्स आपका यहाँ पर कम से कम मान के चलिए आपको 119 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतने प्लस हैं तो आप डेफिनेटली कराएं, अगर इससे आपके मार्क्स लेस हैं तो प्लीज़ काउंसलिंग ना करवाएं। सीटें आपकी बहुत ही कम रह गई हैं, आप देख सकते हो, चांसेस बहुत ही कम हैं। कुछ सीटें अगर खाली रही तो चांस मिल भी सकता है, ये कुछ श्योर कह नहीं सकते। R2 के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। जब आप चॉइस फिल करेंगे, चॉइस फिल करने के बाद में, ठीक है, उसको सेव ज़रूर कर दें। अगर सेव नहीं किया, उससे पहले लॉग आउट कर लिया, तो आपकी चॉइस वहाँ पर सेव नहीं होगी। सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब कभी भी आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर के बाद में आपको 40,000 पे करना होगा अपनी सीट कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद आप उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर, एक तो ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, ठीक है, और आपको आएगा दूसरा डिक्लाइन का। तो अगर आप चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अपना 40,000 पे कर दीजिए, उसके बाद अगर डिक्लाइन चाहते हैं तो डिक्लाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉलेज की प्रेफरेंस की, कौन सा कॉलेज यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, कौन सा सेकंड पे रखें, कौन सा थर्ड पे रखें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तब तक मैं पेज ओपन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो प्रायोरिटी है कुछ इस तरीके से आप रख सकते हो। चाहो तो आप फर्स्ट में यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं वहाँ पर प्रायोरिटी रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा चांस ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट में आप शाहजहानपुर का कॉलेज भर सकते हो, सेकंड में आप भर सकते हो प्रयागराज का, बदायूं का आप देख लीजिए, 5 सीटें हैं, चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चाहो तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी भी रख सकते हो, थर्ड भी रख सकते हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीट, यहाँ पर कन्नौज का आप 3 सीटें हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कन्नौज आप 4 पर रख सकते हो। अगर जिसको कन्नौज फर्स्ट में चाहिए तो वो फर्स्ट में भी रख सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए बांदा का आप कॉलेज अगर चाहते हैं तो बांदा का आप फर्स्ट में भरिएगा, अगर आप बांदा जाना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ज़रूर दें। उसके बाद में अगर आपके मार्क्स 130 प्लस हैं, ठीक है, मैंने इंडिकेट ऑलरेडी कर दिया था, तो यहाँ पर 130 प्लस हैं तो आप सब इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को रखें, ठीक है। तो कॉलेज के चांसेस थोड़े से मिलने के हैं अगर आप 130 प्लस हैं या 132 प्लस हैं या 134 प्लस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 134 प्लस हैं तो आप ज़रूर से इस सिचुएशन में अगर आप पढ़े हुए हैं कि आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, तो फर्स्ट पे चाहे तो आप बांदा रख लीजिए, SGPGI, KGMU, सैफई, मेरठ और झांसी अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पूरे कॉलेज जितने भी दे रखे, एक तो ये जो ऊपर से वहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाए थे, बे कॉलेज में से देख करके आप अपने हिसाब से कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सजेशन यहाँ पर दूंगी कि इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस ज़रूर से दें, ठीक है। चांसेस थोड़ा सा है कि बन जाएगा आपका, 130 प्लस वाले इन कॉलेजेस का चुनाव करें, ठीक है। सबसे पहले अगर चाहो तो ये रख लीजिए, कोई भी आपको जो पसंद आए वो आप प्रायोरिटी में पहले रख सकते हैं, उसके बाद आप इनमें से चाहो तो इनमें से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चांसेस की बात की जाए तो आपका देख लीजिए यहाँ पर 30-40% चांसेस बनता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब 130 का यहाँ पर देख लीजिए चांस थोड़ा सा ज़्यादा है, 50-50% कह सकते हैं कि चांसेस है कि मिल जाएगा कॉलेज, बिकॉज मार्क्स अच्छा है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हो जाए कि अगर आपके मार्क्स 120 से लेस हैं, ठीक है, आपके जनरल वालों के, यहाँ पर आप जनरल की स्पेशली बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल से हैं तो 120 से लेस हैं तो काउंसलिंग ना करवाएं, कॉलेज मिलने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, ठीक है। कम से कम आपको 130 प्लस होना चाहिए, ठीक है, या तो आप 125 भी अगर हैं तब भी आप एक बार को रिस्क ले सकते हो कि आपका कॉलेज मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें भी बहुत लेस चांसेस हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप क्लियर कर लीजिए, अपना डाउट फ्री रहिएगा।
उसके बाद यहाँ पर अगर ओबीसी से हैं, ओबीसी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एससी एसटी का भी सबका मैं बता के आई हूँ, अभी स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कौन से कॉलेज आपको प्रेफरेंस में यहाँ पर रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से आपको कॉलेज में प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से आपको कॉलेज यहाँ पर फिलअप करना है। तो लाइक करना वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर से आपके साथ में शेयर करेंगे।